the students, so from today onwards we are going to start with the last topic which we have already understood. That last time we have already checked starting that we will electric charge ke baare mein padha, electric charge ke kuch properties padhe, theek hai, wo sab kuch aapne ye detail mein discuss ki. Today we are going to go one step further. Next step aa gaya hai ki hum kya karne wale hain ki types of electric charge. कितने तरीके से कोई बॉडी जो है वो चार्ज कर सकती है या चार्जिंग हो सकती है, ठीक है. सो एक तो कॉमन फॉर्मूला जो हम 9.10 में पढ़ी हो, दैट इज फ्रिक्शन. इनफैक्ट 11 में पढ़ा, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है. फ्रिक्शन के लिए जरूरी क्या है, देयर शुड बी सम कांटेक्ट, ठीक है. फ्रिक्शन इफ यू हैव वन बॉडी विद अदर बॉडी दैट वी ऑलरेडी नो, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर करते हैं, क्या ट्रांसफर होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है. So transfer of electron from lower bar function, this is a new term for you. एक नया word है लेकिन फिर भी मुझे probably ये मैं इसको मैं नहीं बता रहा हूँ फिर भी इसको समझा सकता हूँ, ठीक है. Transfer of electron from lower bar function body to higher bar function body. So what is work function basically? Work function मतलब आपको कुछ काम करना पड़ रहा है किसी चीजों को क्या करने के लिए interact करने के लिए. So you should have the approach of somebody else. जैसे कि आपको कोई बॉडी को दूसरे बॉडी के पास ले जाना पड़ रहा है, सो यू शुड हैव सम वर्क फंक्शन. और उसमें भी जरूरी क्या है कि आपके पास टू वर्क फंक्शन ऐसे कैटेगरी पे हो जो कि इट शुड ट्रांसफर फ्रॉम सम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का लेवल जो है वो सेम हो. मतलब आप जिस बॉडी के पास उसको लेके जा रहे हो उसका भी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या उससे ज्यादा हो. ऑफकोर्स अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे में अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है. When we are having the cycles, और दूसरा है नेगेटिव दैट इज स्टिल ट्रू. तो अगर आप एक ग्लास मॉडल को क्या कर रहे हो, आप जो से कर रहे हो ना, तो ग्लास मॉडल को रब करते हो इससे स्टिल ट्रू पर या इन स्टिल ट्रू को आपने रखा हुआ है और उसके ऊपर ग्लास मॉडल रब कर रहे हो, दोनों ही किसने आपको खुद से काम के करना ही पड़ेगा. सो दैट अच्छा उसके लिए आपको ग्लास पॉइंट कर दिया कि थोड़ा सा कुछ हमारे बॉडी में एक तरह का चार्ज है तो आपको कुछ चार्ज पास करना होगा. उसे अवॉइड करने के लिए आपको चेस्टी से पहले के ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, इनफैक्ट जो है वो ग्लोव्स पहन लो ताकि चार्ज जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो, ठीक है. सेकंड फॉर्मूला, तो अगर हम लोग ना भी पहने तो भी ग्लोव्स ना पहने तो भी हम एक नमूना अपने आस पास देख सकते हैं. इस ड्राई एयर में, ड्राई एयर जो हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. ऐसे ही रबर के जो शूज होते हैं वो नेगेटिव उन पर इम्पैक्ट आता है, उनका फंक्शन क्या होता है नेगेटिव होता है. ये सब जो है वो डिजाइन होता है किसके बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में जा रहा है, ठीक है. तो ये सब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आता है, फ्रिक्शन में आता है, ठीक है. सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जैसे कि नाम समझ आता है स्टैटिक चार्ज. स्टैटिक चार्ज मतलब आपको ये चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के पास या न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं, ठीक है. आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास क्या लेके आते हो, एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो अनचार्ज बॉडी होता है वो अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेता है, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इसमें क्या हो रहा है कि इंड्यूस कर रहे हो आप चार्ज, क्या कर रहे हो, चार्ज के अंदर आप अपनी तरफ से इंड्यूस करते हो, ठीक है. इफ ए चार्ज बॉडी डॉट नियर एन न्यूट्रल बॉडी, जैसे मैंने बताया न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, क्या करेगी वो अपोजिट चार्ज वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी. यहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, यहां लिखा है q प्राइम इज इक्वल टू 0, इनफैक्ट q प्राइम इज इक्वल टू 0 कूलम लिखना चाहिए, ओके. तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेटेरियल बॉडी है ये फिलहाल क्या है, न्यूट्रल है, मतलब टोटल चार्ज जो है उसका ये क्या है, न्यूट्रल, ठीक है. आपको दिख रहा होगा ये मैंने स्पीड में सुनी है, जब हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके आते हैं सपोज वी आर टेकिंग अ मास बॉडी व्हिच इज पॉजिटिव, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दैट फेनोमेना, दिस इज बिकॉज़ इट इज वेरी पॉजिटिव चार्ज वाज इक्वल टेकिंग इट टुवर्ड्स द न्यूट्रल बॉडी, they will attract, and how they attract, the half portion of the metallic body which is having negative part
will be attracted towards the positive charge model. Okay, so you can see there is negative and there is positive. Okay, now what happens after some time? Now because you want it to make it to the charge body, you want to give it induced charge. Now the charge induced in the charge. तो इधर की जो पॉजिटिव चार्ज है आप उसका क्या करते हो, एक तरह से एक वायर लगा करके जमीन में बांट देते हो, दैट इज कॉल्ड एज अर्थिंग। जब पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी में तो तीसरा पर होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, उसको हम लोग अर्थिंग वायर कहते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री ग्रीन कलर्स। जो अर्थिंग वाला है वो आपने क्या कर दिया, एक एक जो अर्थिंग वाला पार्ट है उसको हम जमीन में डाल दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से सारा, वो अर्थिंग जो है वो क्या करता है, वो सारा सारा पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। और क्योंकि अभी तक आपने ये वाला चार्ज हमने हटाया नहीं है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक तरफ को डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो जमीन में जाएगा नहीं। कौन जाएगा जमीन में? जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अर्थिंग लगी है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऐसा जाएगा और नेगेटिव वाला जो है वो इस तरह कनेक्ट में। उसके बाद हमने आपको ये अर्थिंग वाला वायर जो है निकाल दिया। ठीक है, और धीरे से क्या करना है, चार्ज हटा दिया है, इसको अपनी तरफ से हटा दिया। अब क्या कर दिया हमने, आपने अब सारे के सारे मॉलिक्यूल की पहले ग्रुप कर दी, उसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया। क्लियरली दिस फेनोमेना इज बेसिकली कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियरली, ओके, ये आगे आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ पैरामीटर्स है जो आपको पता होने चाहिए, सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, आज के बुक में नहीं दिए लेकिन फिर भी आपको ये पता होने चाहिए। क्या क्या है इसमें, सम फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन व्हिच इज रिलेटेड विद, कि यहां पे आपके पास क्या ट्रांसफर होता है, इसमें सिर्फ बॉडी में जो है वो बॉडी में है। सम फैक्ट्स, लेट्स सी सम फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कुछ फैक्ट्स आपको बता दें। ठीक है, वो पहला फैक्ट क्या है, पहला पहली चीज तो ये कि ये जो चार्ज जो ट्रांसफर होता है ये बॉडी पे ही ट्रांसफर होता है, मतलब इस मेटल की बॉडी पे रहता है, सरफेस पे रहता है, मतलब ये पार्टिकल्स से कोई लेना देना नहीं। पहले मैंने पढ़ा इसमें पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, इसमें पार्टिकल्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, इंड्यूसिंग बॉडी विद द गेन्स और लॉस चार्ज, दिस इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स और लूज चार्जेस। मतलब क्या, जो आपने इंड्यूसिंग बॉडी ले लिया है इसके पास, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट इंड्यूसिंग चार्ज। तो आपको पता चल गया होगा कैसे, देखो इसमें उसका नेचर हमेशा कैसा होगा, एग्जैक्टली अपोजिट। जो आप चार्ज लेके आ रहे हो बॉडी के ऊपर उसका एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज बनेगा। जैसे कि पॉजिटिव लेके आए तो क्या बनाएगा, नेगेटिव बना। ठीक है, थर्ड थिंग, induction takes place only on bodies, जैसे मैंने बताया था, induction takes place only on bodies, हमेशा वो bodies पे काम करता है। ठीक है, ये बहुत important कर सकते हैं, याद रखना, bodies पे काम करता है, not in the particles and not in the parts। एक था फ्रिक्शन, दूसरा था इंडक्शन और आपका कंडक्शन।
The process of transfer of charge by conduit of 2 volts. Process of transfer of charge by 2 volts. इसमें क्या हो रहा है? Charge transfer होने, मतलब particles transfer होने, you can see by contact of so process of transfer of charge by two bodies by contact in contact. The magnet is in contact. Here, okay. So we move further. This process is basically called as conduction. This process is called conduction. Okay. So if a charged body is put in contact with a charged body, a charged body becomes charged, which becomes electrons. Friction is the idea. So अगर क्या होता है दो बॉडीज में कांटेक्ट करते हैं और एक बॉडी न्यूट्रल है उसकी बॉडी चार्ज है जब वो कांटेक्ट करते हैं दोनों बॉडीज में ट्रांसफर होता है ठीक है सो इट सेज दैट इफ ए चार्ज बॉडी इफ ए चार्ज बॉडी इज इन कांटेक्ट इज इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी Uncharged body the uncharged body becomes how the uncharged body get there it becomes charged due to transfer of electrons positive charge flows from high potential to low potential.
potential to lower potential. Why? Structure supposes क्या होगा? Negative charge जो है flow करता है इस मास के माध्यम से. Why negative charge? Negative charge flows from मतलब मास क्या होगा? Lower to, ठीक है? Lower to higher. Lower to higher. Potential. ठीक है तो बेसिक है.